मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज जो मैं नई रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ग्रीन मसाला चिकन हांडी। तो इसके लिए जिस चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी वो है, दो प्याज को आप ब्राउन कर लें, दो दरमियानी साइज़ की प्याज को आप ब्राउन कर लें। उसके अलावा हमें चाहिए होगा हाफ बंच हरा धनिया, क्वार्टर बंच हमें चाहिए होगा पुदीना, और 5 से 6 जवे हमें चाहिए होंगे लहसुन के। इसके अलावा हमें चाहिए आधा कप दही, और इसके अलावा हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टी स्पून चाहिए हमें धनिया पाउडर, 1 टी स्पून चाहिए जीरा पाउडर, और 1/2 टी स्पून चाहिए हल्दी, और सॉल्ट एज पर टेस्ट। तो ये सारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो ग्रीन मसाला है ये तीनों चारों चीज़ें ये हम ब्लेंडर में हम ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम दही में डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ आगे का जो स्टेप है। देखिए मैंने इसमें तमाम हरा मसाला और सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं, सिर्फ गरम मसाला और ब्लैक पेपर नहीं डाली है, वो मैं आखिर में डालूंगी। बाकी हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन, नमक, हल्दी, कुटा धनिया, कुटा ज़ीरा, ये सब मैंने डाल दिया है। और इसके अंदर मैं साथ ही डाल दूंगी योगर्ट भी। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा मसाला पिस गया है, ठीक है। अब हम अपनी चिकन को तैयार करते हैं, उसके बाद ये मसाला डालेंगे। ये देखिए मैंने हांडी चढ़ा दी है, मैं हांडी में बनाऊंगी, आप अपने किसी भी पैन में बना सकते हैं। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये अदरक लहसुन हो गया है, इसमें हम चिकन डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर लें और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए इसने कलर चेंज कर लिया है। इसके अंदर हमने जो ग्रीन मसाला जो पीस के रखा था वो डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए रख देंगे ढक के, और जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज और गरम मसाला और ब्लैक पेपर। अब ये पकने दें थोड़ी देर, 7 से 8 मिनट ये पकेगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ब्राउन जो प्याज हमने की थी वो आपने पेस्ट नहीं बनानी है, हाथों से ऐसे चूरा करके इस तरह से क्रश करके डाल देनी है। अब इससे इसमें गाढ़ापन भी आ जाएगा और सौंधापन भी आ जाएगा। इसको फिर हम 6 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे। तो ज़ीरा राइस तो सभी को बनाने आते हैं, तो मैंने कहा जब बना ही रही हूँ तो मैं शेयर कर लेती हूँ। मैं ग्रीन मसाला चिकन के साथ ज़ीरा राइस सर्व करूँगी। आप रोटी से भी खा सकते हैं ग्रीन मसाला चिकन को, लेकिन हम लोग चावल शौक से खाते हैं तो मैं ज़ीरा राइस इसके साथ बना रही हूँ। तो मैंने ऑयल डाल दिया है, उसमें ज़ीरा और प्याज मैंने डाल दी है। इसको हम फ्राई कर लेंगे, प्याज को ब्राउन कर लेंगे। मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है, खड़ा गरम मसाला, और इसमें साबित काली मिर्चें हैं, साबित इलायची है ब्लैक वाली, और थोड़ी सी लौंग है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना।
और इसको ज़्यादा नहीं पकाना। मैं आधा किलो चावल के हिसाब से बना रही हूँ, यानी 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं, तो 3 गिलास मैं इसमें पानी डाल दूँगी। हम देख लेते हैं हमारी चिकन को, देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, अच्छे से भुन गई है चिकन। अगर आपको प्याज हाथ से चूर के नहीं डालनी तो आप जिस वक्त दही में हरा मसाला पीस रहे हैं तो उसी के साथ ही आप प्याज पीस सकते हैं। मुझे ऐसे पसंद है तो मैं इतना डाल देती हूँ। अब हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर, मेरे पास बहुत छोटा स्पून है तो इसमें ये 1 टीस्पून के बराबर है। और इसके अलावा डालूंगी मैं गरम मसाला, तो हम मिक्स कर लेंगे। बस इसको हम 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे, उसके बाद हम इसमें कोयले का धुआं देंगे। और पानी बॉईल हो गया है, इसमें हम चावल डाल देंगे। अब इसमें नमक डाल के इसके पानी ड्राई होने तक इसको पका लेंगे और दम दे देंगे। देखिए जो 5 मिनट हो गए रख के, और ये हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है। इसमें ऑयल भी ऊपर आ गया है, बेहतरीन पक गई है। अब इस पर हम कोयले का धुआं दे देंगे। अब इस पर हम 2-3 ड्रॉप्स जो है वो ऑयल डाल देंगे और फौरन इसको ढक देंगे। बस ये हमारी चिकन हांडी रेडी हो गई है। अब इसको हम ज़ीरा राइस के साथ सर्व करेंगे। पानी ड्राई हो गया है, इसको हम दम पे लगा देंगे। हल्का सा पानी है बस इसमें, इसको हम अब दम पे लगा देंगे। चलिए अब हम अपनी हांडी को सर्व करते हैं, ग्रीन मसाला हांडी को। ये बड़ी हांडी है और मैं सर्व कर रही हूँ ये छोटी हांडी में, तो ये इस तरह हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है हांडी में, और ये मैंने इसको सर्व किया है ज़ीरा राइस के साथ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।